ओके सो हियर इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट ऑर्थोगोनल फंक्शन एंड एक्सपांशन तो ऑर्थोगोनल फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ चुके हैं सो so हम यहाँ पर वही करेंगे इतना डिटेल से हमें नहीं जाना है हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाएंगे सो so, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वी कंसिडर एन इंटरवल ए बी

एंड साई एन एंड डी वी इज इक्वल टू जीरो इफ एम नॉट इक्वल टू एन बस इसी फंक्शन को इसी कंडीशन को यहाँ पे अलग तरह से निखा है सो so, हमारे पास जो इंटरवल होता था यहाँ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बस बस बट बिकॉज वी आर डिफाइनिंग आर फंक्शन इन द इंटरवल ए बी सो द लिमिट विल बी ए टू बी ओके एंड साई स्टार ये फंक्शन होता है तो हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या है यू स्टार इट इज अ फंक्शन ऑफ जाइ इज अ वेरिएबल सो यहाँ पे हमारे पास साई एक्स होता है मान लीजिए या साई आर होता है सो यहाँ जाई का वेरिएबल है ओके एंड यू एम विच इज अ डिफरेंट फंक्शन सो इफ एम नॉट इक्वल टू जीरो बट इफ एम इक्वल टू एन तो हम जानते हैं जब ये एम इक्वल टू एन होता है तो हमें माइनस इंफिनिटी से इन्फिनिटी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से वन मिलता है सो इफ एन नॉट इक्वल टू एम द इंटीग्रल इज नॉट जीरो वी नो दैट सो वी अस्यूम दैट द फंक्शन आर नॉर्मलाइज सो दैट द इंटीग्रूनिटी इफ द फंक्शन इफ वे फंक्शन आर नॉर्मलाइज तो ये जो कंडीशन लेफ्ट एंड साइड का एक्सप्रेशन है ये हमें यूनिटी मिलता है और उस कंडीशन में द फंक्शन आर सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल एंड दटिस्फाइड वो ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन होते हैं और वो कंडीशन क्या वजह हो, हो जाती है डेल्टा एमन और यहाँ डेल्टा एमन की प्रॉपर्टी हम जानते ही है

अब यहाँ पे क्या किया है क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखा होगा श्रोडिंगर इक्वेशन को जब अपन सोल्व करते हैं हमारे सोल्यूशन साई वन साई टू साई थ्री बहुत सारे आते हैं तो हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं सी वन साई वन प्लस सी टू साई टू तो समेशन सी एन साई एन और ये हमारा जनरल सोल्यूशन होता है साई तो हमारा एक फंक्शन होगा एफ विच इज वो हमारा ये होगा और इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं में. तो हमारे पास फिर से लिख दिया और फिर हमारा वेव फंक्शन आएगा तो यू एनज नाउ वी कैन आस्क फॉर द बेस्ट चॉइस ऑफ कोफिशियंट एन सो दैट वी गेट द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन एफ एनी वेज द बेस्ट इज डिफाइंड एज दिनिंग द स्क्वायर ये uh, ना करो डायरेक्टली एन पे जाते हैं ए एन कोफिशियंट जो आता है वो क्वांटम मैकेनिक्स से इट इज इजी टू शो दैट द कोफिशियंट आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन ए एन जो होता है कोफिशियंट उसका फॉर्मूला भी आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है और अगर क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं पढ़ा है तो आपने फूरियर सीरीज में मैथमेटिकल मैथड्स में पढ़ा है कि इफ एफ जाई इज इक्वल्स टू समू एन जाई देन ए एन इज गिवन बाय फॉर्मूला क्वान्टन से लिया है ठीक है ये वेर दॉर्मेलिटी कंडीशन है सो तो ये पास तो हमारे पास कोफिशियंट हो जाएंगे नाउ अगेन वी विल अवॉइड द थ्योरी सो हमारे पास अगेन उस फंक्शन को लिखते हैं जो एक्सप्रेशन हमने अभी भी देखा था वो एक्सप्रेशन को हम वापस लिखते हैं और आ, एन जो है वो हमें मिल चुका है तो एफ जा उसको हम क्या लिख सकते हैं सीरीज टू पॉइंट थ्री थ्री कैन बी री रिटर्न एक्सप्लिसिट फॉर्म टू पॉइंट थ्री टू फॉर अब यहाँ पे देखो हमारे पास में आ, हमने क्या लिखा है एफ जाई का जो एक्सप्रेशन था वो हमारे पास में आ चुका है देखो यहाँ पे ए एन की वैल्यू पुट किए इक्वेशन टू पॉइंट थ्री थ्री में तो ये केयरफुली पुट करेंगे सो एफ जाई हमें लिखना है एफजाई की वैल्यू निकालनी है सो एफ जा हमने यहां रखा है ठीक है समेशन जो कि यहाँ पे रखा हुआ है ओके एंड देन हमारे पास क्या रखना है हमें ए एन अब एन की वैल्यू जो है वो हम कहाँ से पुट करेंगे वो मैं बता देती हूं ये रहा ए एन सो एन में आपके पास में क्या है इंटीग्रेशन n स्टार वो लिखते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन n स्टार ठीक है, so, ये रहा इंटीग्रेशन और ये रहा यूएन स्टार यहां तक समझ में आ गया ये हमने पुट कर दिया और इसके बाद आप एफ एक्सप्रेशन में देखो कि यूएनजाई भी है बट ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं यूएनजाई uh, भी है वो यूएनजाई यहां पे आ गया अब हमारे पास बचा क्या जो एन के एक्सप्रेशन में आ रहा था एफ डी बस ये बचा है इसको हम पुट कर देंगे एफ जाई डी हमने प्राइम लगा दिया है बिकॉज ऑलरेडी ए एन के एक्सप्रेशन के अंदर समेशन लगा हुआ था तो हमने वो समेशन क्योंकि यहाँ पे प्राइम पे ले लिया है इसलिए यहाँ पे हमने प्राइम यूज किया है बाकी हमने कुछ नहीं किया है हमने 2.33 के अंदर ए एन की वैल्यू पुट की है और जब हमने ए एन की वैल्यू पुट की है तो उसके अंदर हमने जाई यूज कर लिया था इसलिए हमने जो रिमेनिंग टर्म है उसमें जो वेरिएबल था वहां जाई प्राइम यूज किया है क्योंकि यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन है और एक बार समेशन है

इज़ डेल्टा ये, ये कह रहे हैं कि हमारे पास में ये जो फंक्शन है वो इस नेबरहुड में ही एग्जिस्ट करे तो केवल अगर एप्साइलन प्राइम इज इक्वल टू एप्साइलन हो तभी अगर हमारे पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा और हमें इक्वेशन नंबर टू पॉइंट थ्री फाइव मिल जाएगी और इक्वेशन टू पॉइंट थ्री फाइव जो है ये बेसिकली क्या है इट इज रिलेशन जिसको कंप्लीटनेस या फिर क्लोजर रिलेशन कहते हैं तो गूगल पे आप या मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने कंप्लीटनेस रिलेशन या क्लोजर रिलेशन पढ़ा होगा वहां से वो प्रॉपर्टी हमने यूज की है सो हमने यहाँ पे कुछ भी फिजिक्स नहीं लगाई है वी हैव जस्ट यूज यूज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीटनेस रिलेशन और क्लोजर रिलेशन वो हमने यहाँ पे यूज किया है अब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका एग्जाम्पल करेंगे तो द मोस्ट फेमस ऑर्थोगोनल फंक्शन आर द साइन एंड कोसाइन एन शन इन टर्म्स ऑफ बी फूर सीरीज तो इंटरवल लेते हैं माइनस ए बाई टू से ए बाई टू और ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन हमारे पास आपको पता है की ऑर्थोनॉर्मल क्योंकि वो नॉर्मलाइज होने चाहिए तो आपने पार्टिकल इन बॉक्स क्वांटम क्वांटमेकेनिक्स में देखा होगा वो साइन या कॉस में डिफाइन होता है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो आता है वो रूट टू बायता है सो so यहाँ पे दो फंक्शन है साइन और कॉस और हम इनके फूरियर सीरीज बनाते हैं सो so, अगर फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो एक टर्म कांस्टेंट होता है और एक सीरीज बनती है हमारे पास जिसमें साइन के टर्म होते हैं और कॉस के टर्म्स होते हैं और ये जो कोफिशियंट होते हैं यहाँ पे ए नॉट ए एम एंड बी एम इनके फॉर्मूले भी आपने फूरियर सीरीज वाले टॉपिक में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े होंगे सो so, एम का फॉर्मूला ये होता है बी एम का फॉर्मूला ये होता है ये हम सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसका ठीक है यहाँ पे हमारे पास बस आई गेस दिस इज सफिशियंट मेरे ख्याल से ये सब करने की जरूरत नहीं है ये फूरियर सीरीज को और एक्सपानशन में दे रहे हैं जो आप चाहो तो कर सकते हो बाकी ऑर्थोगेशन में क्योंकि यहाँ पे भी ये वही सी, वही ऑर्थोग कंडीशन यूज की है सो so, ये चीज एग्जाम में आप लिखो तो भी ठीक है ना लिखो तो भी ठीक है क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया है बट मेरा मन कर रहा है कि मैं ये वाला समझाऊं आपको फूरियर uh, इंटीग्रल है ये बेसिकली एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं तो आई थिंक मैं कंफ्यूज हूँ समझू या नहीं समझ समझाऊ या नहीं समझाऊ आई मीन इट इज नीडेड और नॉट नीडेड चलो कर लो यार सेम वही कर रहे हैं सपोज हमारा एक फंक्शन है तो क्योंकि इस बार हमने दो वेरिएबल का माना है जय और रिटा तो समेशन दो पे लग जाएगा हमारे पास में और ये कोफिशियंट है और ये यहाँ पर दो फंक्शन हमारे पास आ है और जो कोफिशियंट है उसका एक्सप्रेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं वही फंक्शन यूज़ किया है हम फूरियर इंटीग्रल ले रहे हैं इसलिए हमने u फंक्शन को एक आ, आ, फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिखा है एंड आ, जो फंक्शन होता है वो हमारे पास आपको पता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आएगा देन समेशन आएगा देन कांस्टेंट आएगा देन एक्सपोनेंशियल फैक्टर आएगा और ए एम का फॉर्मूला हम देख चुके हैं हमारे पास फूरियर सीरीज में ये होता है एक्चुअली ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट सो आप ये खुद देख के भी कर सकते हो क्योंकि ये सेम सेम फूरियर सीरीज से है जो मेन फंक्शन था वो यही था ऑर्थोगोनल फंक्शन एंड एक्सपेंशन में ऑर्थोगोनल फंक्शंस क्या होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है और उसका एक एग्जाम्पल था जो कि हमने पढ़ लिया है सो so बेसिकली हमें और कुछ नहीं करना है कि ये सब करना जरूरी नहीं है फाइनली हमारी यूनिट कंप्लीट होती है